ऑटम आर्चर क्वीन जो देखने में वॉल्क्री क्वीन से काफी मिलती है, आर्चर क्वीन की एक नई आउटफिट है। पर वॉल्क्री क्वीन की आउटफिट से अलग ऑटम आर्चर क्वीन एक खास पत्तों से बना केप पहनती है जो आर्चर क्वीन के अब तक के सभी केप से बहुत अलग है। पर इतना अलग होने पर भी ऑटम क्वीन का वो केप रॉयल क्लोक की ही तरह काम करता है और आर्चर क्वीन को कोई और खास एबिलिटी नहीं देता है। पर उस आउटफिट को पहनते ही आर्चर क्वीन बिल्कुल अलग किसी फॉरेस्ट क्वीन की तरह दिखने लगती है। लेकिन आर्चर क्वीन को इस शानदार आउटफिट के बारे में कैसे पता चला और इस नए रॉयल क्लॉक के पीछे का क्या राज है, आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ ऑटम क्वीन में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब क्लैश विलेज की सातवीं क्लैश वसरी के दौरान की बात है। विलेज में हर दिन एक पार्टी का दिन होता था क्योंकि उस समय विलेज में खास पार्टी विजर्ड और पार्टी वार्डन आए थे। उन दोनों को पार्टी इतनी पसंद थी कि वो लड़ाई में भी पार्टी करते हुए चले जाते थे और लड़ाई खत्म होने के बाद वो विलेज में पार्टी करते थे। पार्टी विजर्ड को नाचना पसंद था तो पार्टी वार्डन को गाना पसंद था और हर दिन लड़ाई में से लौटने के बाद वो दोनों पार्टी के लिए तैयार होते थे। पर एक दिन लड़ाई से लौटने के बाद वार्डन पार्टी में कुछ अलग करना चाहता था और इसलिए उसने उस दिन के लिए एक खास गाना लिखा था। पर वो उस लिखे हुए गाने को अपने साथ लाना भूल गया था और क्योंकि उसे पार्टी के लिए कुछ और भी तैयार करना था, वो चाहता था कि कोई उसके लिए वो पेज ले आए जिस पर उसने वो गाना लिखा था। और उस समय उसके पास से आर्चर क्वीन गुजर रही थी, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वो उसके कमरे से वो कागज ला सकती है। आर्चर क्वीन उसी तरफ जा रही थी इसलिए उसने हाँ बोल दिया। पर जब वो वार्डन के कमरे में पहुंची, पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो वार्डन का ही कमरा है क्योंकि वहाँ सब कुछ बिखरा था जैसे कि वहाँ कोई तूफान आया हो। आर्चर क्वीन को समझ आ गया था कि वार्डन ने उधर भी पार्टी की थी, इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए वो उस पेज को ढूंढने लगी और कुछ देर ढूंढने के बाद उसकी नज़र एक अलग से पड़े पेज पर पड़ी और वो वही गाने वाला पेज था। पर जब उसने वो पेज उठाया, उसने उसके नीचे एक पुरानी बुक देखी जिस पर लिखा था बुक ऑफ हीरोज। आर्चर क्वीन ने उस तरह की बुक ऑफ हीरो पहले नहीं देखी थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि उस बुक के अंदर क्या होगा। और फिर वो उस बुक को देखने लगी। वो उस बुक को जल्दी जल्दी में देख रही थी और जल्दी में उसने एक पेज देखा जिस पर ज्यादा नहीं लिखा था, इसलिए आर्चर क्वीन उस पर जो लिखा था वो पढ़ने लगी। पर जो उस पर लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन हिल गई क्योंकि उस पर लिखा था कि रॉयल क्लॉक इकलौता रॉयल क्लॉक नहीं था और कई सालों पहले जब ग्रैंड वार्डन विलेज में लौटा था उस समय एक और रॉयल क्लॉक बनाया गया था पर वो ग्रैंड वार्डन ने नहीं बनाया था। आर्चर क्वीन ने हैरानी से इसके बारे में हंटर्स से पूछा कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था, पर उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हंटर्स ने उसे कहा कि मुझे सिर्फ नीले रंग में डिबोए गए ग्लैडिएटर के केप के बारे में ही पता है, पर क्या पता इस बुक में इसके बारे में कुछ और भी लिखा हो। पर उस बुक पर यही लिखा था कि उसे जंगल में बनाया गया था, पर उसे किसने और क्यों बनाया था इस बारे में कुछ नहीं लिखा था। आर्थर क्वीन जो काफी समय से अपने आप से ही बातें कर रही थी, अचानक से उसने पार्टी शुरू होने की आवाज़ सुनी और उसे याद आया कि वो वहाँ क्यों आई थी। उसके बाद उसने वो पेज लिया और पार्टी वार्डन के पास चली गई। वार्डन ने पेज पाने पर आर्चर क्वीन को शुक्रिया कहा और बोला कि तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए हो तो जरूर बोलना। आर्चर क्वीन उससे उस केप के बारे में पूछना चाहती थी पर उसे हंटर्स ने रोक लिया। हंटर्स ने उससे कहा कि क्यों ना एक एडवेंचर हो जाए, हम उस केप को ढूंढेंगे। और जब पूरा विलेज पार्टी में व्यस्त था, आर्चर क्वीन बिना किसी को बताए उस केप की तलाश में जंगल की ओर निकल गई। और जब आर्चर क्वीन जंगल में चल रही थी, उसे अजीब सी आंखों के आगे कुछ पुरानी यादें आई। उसे लगा कि वो उसकी आर्चर क्वीन बनने से पहले की यादें हैं, पर वो यादें हंटर्स की थी। आर्चर क्वीन हंटर्स को उस जंगल में पहले भी जाते हुए देख पा रही थी, पर वो धुंधली सी यादें थी और कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। और कई दिनों तक उस जंगल में भटकने के बाद आर्चर क्वीन ने किसी जादू की तरह अपने आप को एक जादुई जगह में पाया और उसे फिर एक बार हंटर्स की यादें दिखाई दी। आर्चर क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि तभी उसे एक आवाज ने बोला कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आर्चर क्वीन ने अपना एक्सबो निकालते हुए बोला कि कौन हो तुम। वो आवाज फिर बोली, मैं वो हूँ जिसमें तुम खड़ी हो। आर्चर क्वीन को कुछ समझ नहीं आया कि तभी हंटर्स बोली, फॉरेस्ट गॉड, तुम फॉरेस्ट गॉड हो। फॉरेस्ट गॉड, आर्चर क्वीन ने पूछा। हाँ, फॉरेस्ट गॉड, वो आवाज बोली। हंटर्स ने आर्चर क्वीन को फॉरेस्ट गॉड के बारे में बताने के बाद फॉरेस्ट गॉड से पूछा कि तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे हो, तुम कुछ ढूंढ रही हो।
फॉरेस्ट गॉड ने चमकते हुए पत्तों से बने हुए केप को दिखाते हुए पूछा। आर्चर क्वीन ने उससे पूछा, तो तुम हमें ये केप ऐसे ही दे दोगे बिना लड़े या किसी प्यारी चीज को मांगे बिना? फॉरेस्ट गॉड ने कहा कि एक चीज को एक ही बार त्यागा जा सकता है। क्या मतलब, इसे किसने त्यागा है? आर्चर क्वीन ने फॉरेस्ट गॉड से पूछा। जिसने मुझसे ये बनवाया था, तुम चाहो तो उसे देख भी सकती हो, उस पेड़ के तने को छूकर, फॉरेस्ट गॉड ने कहा। आर्चर क्वीन को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उस पेड़ के तने को हाथ लगाया। उस पेड़ के तने को हाथ लगाते ही आर्चर क्वीन ने गॉब्लिन किंग को उस केप के साथ देखा। हंटर्स उसे देखकर हैरान थी, पर उस नई चमकदार आउटफिट को देखकर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर लिया और उस आउटफिट को पहन लिया। आउटफिट पहनते ही आर्चर क्वीन बिल्कुल बदल गई और वो बहुत अलग लग रही थी। और इससे पहले आर्चर क्वीन फॉरेस्ट गॉड से कुछ और पूछती, अचानक से वहाँ से वो जंगल गायब हो गया था और वो क्लैश विलेज के बाहर पहुँच गई थी। ये थोड़ा अजीब था, पर आर्चर क्वीन उस आउटफिट के बारे में सोच रही थी। उसे समय नहीं आ रहा था कि वो उस आउटफिट को क्या नाम दे। वो उसे गोल्डन क्वीन आउटफिट नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो नाम गोल्डन मेगा ड्रैगन से मिलता था और वो नहीं चाहती थी कि विलेज में किसी को पता चले कि वो केप गॉब्लिन किंग के पास था। वो सोच ही रही थी कि तभी ऊपर से एक पेड़ का पत्ता गिरा और हंटर्स ने कहा कि ऑटम के बारे में क्या ख्याल है। आर्चर क्वीन ने कहा, हाँ ऑटम आर्चर क्वीन बिल्कुल सही है। और जब आर्चर क्वीन विलेज में वापस जा रही थी, वो सोच रही थी कि गॉब्लिन किंग उस टाइम प्रिजन से बाहर कैसे निकला होगा और उसने वो केप किसके बदले में त्यागा था। और जब वो विलेज में वापस पहुंची, विलेज में सभी पार्टी में इतना व्यस्त थे कि किसी को पता ही नहीं था कि आर्चर क्वीन कहां गई थी। और जब आर्चर क्वीन विलेज में पहुंची, पार्टी विजर्ड और पार्टी वार्डन विलेज से चले गए थे और आर्चर क्वीन को एक नए अंदाज में देखकर विलेज में सभी बहुत हैरान थे। आर्चर क्वीन किसी फॉरेस्ट क्वीन की तरह लग रही थी और क्योंकि विलेज में ऑटम आ रहा था, ऑटम क्वीन विलेज में काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। ऑटम क्वीन को देखकर वार्डन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्योंकि आर्चर क्वीन ने उसकी मदद की थी, उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और इस तरह आर्चर क्वीन विलेज में ऑटम आर्चर क्वीन बनकर आई। तो ये थी कहानी ऑटम आर्चर क्वीन की। उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से मुझ में और ऐसी मजेदार कहानी बनाने की एनर्जी आती है। और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, आर्चर की, बारबेरियन की, ब्रॉलर की या फिर किसी और ट्रूप की। तो आज की कहानी बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।